हे वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? अभी शाम के बज रहे 5 उल्फा टाइम और मैं जा रहा हूँ सलावत। उससे पहले मैं हॉस्टल नंबर 2 जा रहा हूँ, वहाँ पर एक मेरा फ्रेंड है, मैं उससे मिलूँगा। और एक चीज़ और बताएं कि आपको मेरा पहला ब्लॉग कैसा लगा? और मैंने बहुत सारे की कमेंट पढ़ा और मैं उसमें ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि बहुत लोग साउंड के लेकर बोल रहे थे। तो गाइस ऐसा है कि मेरे पास अभी माइक है नहीं, मैं विदाउट माइक यूज़ कर रहा हूँ, बस मैं अपने फ़ोन से ही अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये साउंड का जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो। सो इसके लिए सॉरी। सो वीडियो में एक ट्विस्ट आ गया है और ट्विस्ट ये है कि मैं हॉस्टल नंबर 2 नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जिस फ्रेंड से मैं मिलने जा रहा था वो फ़ोन किया और बोला कि अब हम लोग सेंट्रले मिलेंगे और सेंट्रले से ही हम लोग सलावत जाएंगे। तो मैं यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ। सो जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। ये हमारे मित्र कैफ अली जो फाइनली आ चुके हैं। चलो गाइस, पूरे 10 मिनट वेट कराया मेरे को यहाँ। सो अब हम यहाँ से जाएंगे सलावत। कितने नंबर बस जाता है? हाँ हाँ, तो अब मिलते हैं सलावत। तो फाइनली हम लोग बस से उतर चुके हैं। धूप बहुत तीखी है, देख ही रहे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा तीखी धूप है। सो फाइनली वी हैव अराइव टू सलावत और मैं आपको दिखाता हूँ कि सलावत मतलब कैसा है। और हमारे यूनिवर्सिटी से यहाँ पे बच्चे डांस करने आए हैं और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें से हमारे कुछ दोस्त भी हैं हमारे बैच के। ये रहे सलावत भैया। रोशनिया का फैमिली का पता नहीं यार, फोन करना। ये तो मेला लगा भाई। I'm not afraid to die.
तो अब सलावत टूर ख़त्म, अब हम जा रहे हैं हॉस्टल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दसबिदानिया। और गाइस जो रेड कलर का दिख रहा है उसको प्लीज़ प्यार से टच कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।